जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन एक लीनियर अलजेब्रा का हमने क्वेश्चंस पिकअप किया हुआ है। देखा जाए इस क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक और कंसेप्ट क्या है, और बात इस क्वेश्चन से हम और कौन बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ये है कि लेट एम बिलोंग सेम एन आर। ठीक है, सही बात है कि कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स एन आर्डर का जिसकी एंट्री रियल नंबर से आ रही है, ये इसका मतलब ये है। अब विथ कहाँ है कि यम जीरो और आई एन नहीं है, मतलब कि यम जो है ना तो नल मैट्रिक्स है ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एकदम बिल्कुल क्लियर कट इसने कह दिया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज रियल नंबर से आनी है, लेकिन वो मैट्रिक्स आप ना तो जीरो लिखेंगे ना तो आइडेंटिटी लिखेंगे, बट यम स्क्वायर इज इक्वल टू यम। ओहो, ये देखिए साहब, यम स्क्वायर, यम का जो मतलब होता है कि ये जो मैट्रिक्स है ना वो आइडेंपोटेंट है। अब आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है तुरंत आपको पता होना चाहिए। जो यम स्क्वायर इज इक्वल टू यम हुआ ना, यम स्क्वायर इज इक्वल टू यम की थ्योरी क्या है आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो हम कुछ थ्योरी जहाँ उसकी लिखेंगे। तो अब सीधे पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू। कोई बहुत लफड़ेबाजी नहीं हुई है, सीधे एक लाइन में क्वेश्चंस लिखा गया, अब उसके बाद ऑप्शंस पूछा गया है, तो यहाँ वो ऑप्शन में ही गेम हुई होगी। कह रहा है कि नल स्पेस ऑफ यम इज द आइगेन स्पेस ऑफ यम करिस्पॉन्डिंग टू आइगेन वैल्यूज जीरो, ऐसा है क्या? सेकेंड है, लेट एक्स बिलोंग्स कॉलम स्पेस विथ नॉट एक्स जीरो देन एक्स इज एन आइगेन वेक्टर ऑफ यम करिस्पॉन्डिंग टू आइगेन वैल्यू ऑफ वन। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये जो ऑप्शंस जो घूम रहा है नल स्पेस ऑफ यम पे और कॉलम स्पेस ऑफ यम पे घूम रहा है, तो हमें नल स्पेस ऑफ यम और कॉलम स्पेस ऑफ यम निकालने पड़ेंगे। क्या कंसेप्ट है उसको यहाँ सीरियसली देखना पड़ेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशंस में हम प्रूफ की बात आते हैं। चलिए, यहाँ गिवन है यम स्क्वायर यम और यम जीरो और आई एन नहीं है, ताकि आप इसे ऑप्शन को इल्यूमिनेट ना करें। वो पहले कह दिया कि वो जीरो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, वो दूसरी मैट्रिक्स है जो यम स्क्वायर इज इक्वल टू यम है। तो इसको हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंपोटेंट। ये जो मैट्रिक्स है वो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है। इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी जो आइगेन वैल्यू होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है बट मेन प्रॉपर्टीज़ में जो आइगेन वैल्यूज होती है जीरो आर वन होती है, ये होता है। अब आइगेन वैल्यूज पूरी जीरो उसकी होगी जब जीरो होगा मैट्रिक्स, पूरी आइगेन वैल्यूज वन होगी जब आइडेंटिटी होगा। कह दिया साहब ना तो हम जीरो हैं ना तो आइगेन है, राइट। इसके अलावा जो भी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स बनेगा वो है, राइट। अच्छा एक बात और, कि ये जो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होता है ये डायगोनलाइजेबल होता है। इसकी मीनिंग ये होगी, एक हमारा मैट्रिक्स ऐसा पी एग्जिस्ट करेगा कि पी इनवर्स एम पी इज इक्वल टू डी, वेयर डी बी द डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होगी, पूरी जीरो नहीं हो सकती या पूरी वन नहीं हो सकती, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशंस जीरो और एन दोनों होगी। अब कितने नंबर्स में होंगे फर्दर अभी बात है। ठीक है, एक ये बात हो गई। अब देखिए, हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो उसको एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल कहते हैं। इसका जो एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल होगा, एच एक्स इज इक्वल टू वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी अगर हम एक्स कॉमन करें तो एक्स माइनस वन। एक रिजल्ट होता है थ्योरी का ही है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि मिनिमल पॉलीनोमियल हमेशा एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल को डिवाइड करता है। तो इसको डिवाइड करने वाला जो जो भी फैक्टर होगा वो उसका मिनिमल पॉलीनोमियल हो सकता है। तो इसको डिवाइड करने वाला कौन कौन फैक्टर होगा, एक तो x होगा, एक तो x माइनस वन भी हो सकता है और एक खुद ही x x माइनस वन होगा। लेकिन ये दोनों नहीं हो सकता है साहब, क्यों? क्योंकि ये दोनों ले लेंगे तो यम यम मिनिमल पॉलीनोमियल मैट्रिक्स अपने आप को सेटिस्फाई करता है। तो यम यम की वैल्यू जो होगी वो यम होगी और यहाँ ये जीरो हो जाएगा, तो ये नहीं है और ये नहीं। इस पे लिखने पे आइडेंटिटी मिलेगी, इसके लिखने पे जीरो मैट्रिक्स का हो जाएगा। और कंडीशन में कह दिया है साहब कि न तो यम जीरो है न तो आइडेंटिटी है, तो मिनिमल पॉलीनोमियल की ये संभावना जो दो है वो फिनिश हो गई। तो फिर बची क्या, एक्स एक्स माइनस वन। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा है तो ऑप्शन एक और बन सकता है कि व्हाट इज़ द मिनिमल पॉलीनोमियल, बट ये छोटे स्तर का थोड़ा क्वेश्चन हो जाएगा आई टी जैम टाइप का। तो इसका मिनिमल जो पॉलीनोमियल होगा एक्स एक्स माइनस वन होगा,
इसका मतलब हर आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलीनोमियल ये नहीं होता है। मिनिमल पॉलीनोमियल अभी हमने कहा कि वो दोनों की भी संभावना है, बट ये दोनों नहीं है तो इसका मिनिमल पॉलीनोमियल ये होगा पक्का। ओ हमारा आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स जो नल मैट्रिक्स है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका मिनिमल पॉलीनोमियल ये होगा। हो गई बात है क्लियर। अच्छा अब हम इसे अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल की बात करें एफ ऑफ एक्स की, तो वो क्या होगा उसकी, अब यहाँ क्या होगा देखिए, ये तो पक्का कन्फर्म हो गया कि जो मैट्रिक्स एम होगा अगर हम उसके आइगन वैल्यूज की बात करें तो उसकी आइगन वैल्यू जीरो होगी और वन दोनों होगी, राइट। जीरो आर वन नहीं, जीरो एंड वन, कि जीरो भी होगा वन भी होगा। अब ये अलग मैटर है कितने नंबर्स में जीरो आएंगे कितने नंबर्स में वन आएंगे, लेकिन जीरो का जो इंडेक्स होगा और जो वन का इंडेक्स होगा इनका सम एन होना चाहिए, क्योंकि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एन है, तो आपके पास जो होगी एन आइगन वैल्यूज होगी, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती है। इसमें से कुछ जीरो होंगे और जो रिमाइंडर बचेंगे वन हो जाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेते हैं, जैसे आर हमने ले लिया कि वन है यानी लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा टू एंड आर्ट्स वन लैम्डा आर, ये वन है, और बाकी जो रिमाइंडर हमारे बचे एन माइनस आर तक, टोटल तो हमारे कितने हैं एन है, इसमें से हमने आर कह दिया वन है, तो जो एन माइनस आर आइगन वैल्यूज बचेगी वो हमारी जीरो जीरो हो जाएगी। ओके तो अब हम यहाँ से इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकाल सकते हैं, एक्स माइनस वन रेस टू दी पावर आर इंटू एक्स रेस टू दी पावर वाट एन माइनस हो गया, आर एन तो फिक्स है दैट इज द गिवेन ईयर। अब आर अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है हमें, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। हम क्या कर रहे हैं ना कि इसका जार्डन कैनोनिकल फार्म बनाने जा रहे हैं। क्यों बनाने जा रहे हैं, रीज़न क्या है, जार्डन कैनोनिकल फार्म हम इसलिए बनाने जा रहे हैं कि हर मैट्रिक्स अपने जार्डन कैनोनिकल फार्म के सिमिलर होता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। यानी जो मैट्रिक्स एम होगा उसका एक कैरेक्टर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि इस पर भी पावर वन है, इस पर भी पावर वन है, तो जो जार्डन कैनोनिकल फार्म बनेगा उसमें जो जार्डन मेरे ब्लॉक बनेंगे जीरो का करिस्पॉन्डिंग, जो आइगन वैल्यू जीरो उस करिस्पॉन्डिंग वन आर्डर का होगा, जो वन बनेगा उसका भी आर्डर वन होगा, ये तो कॉमन चीज़ हो गई। तो चलिए हम कुछ ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं फाइव आर्डर का, हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, और आप जनरल ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिगिनर स्टूडेंट को समझाने के लिए हमने एक आर्डर फाइव का मैट्रिक्स ले लिया जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो कैसा होगा। और हमने यहाँ ये भी कहा कि हम यहाँ थ्री वन वन ले रहे हैं, आइगन वैल्यूज जो है उसकी वन वन थ्री टाइम्स है, तो कितना बचा पाँच में दो बचा, तो दो बार जीरो हो जाएगी, तो कैसे लिखेंगे, ये डायगोनलाइजेबल होगा, तो वन एक दो तीन चार पाँच, ठीक है जी, ये हो गया जीरो वन जीरो जीरो जीरो, डायगोनल पे वन होंगे पता है ना, जब जार्डन हम फार्म बनाते हैं, बाकी ज़ीरो हो गया, तो एक दो तीन ये हो गया, ये जीरो भी हो जाएगा। ओके हमने एक फाइव आर्डर का ले लिया, जनरल आर्डर का भी लेके हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। हो गई बात ठीक है, अब आते हैं देखते हैं मुझे प्रूफ क्या करना है। कह रहा है कि नल स्पेस ऑफ एम इज आइगन स्पेस ऑफ एम करिस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो। पहली बात है कि नल स्पेस ऑफ एम क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सीधा सपाट है कि किसी मैट्रिक्स का जो नल स्पेस होता है वो कैसे लिखते हैं, एम एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स बिलोंग्स टू द व्हाट आर एन, जो एक्स जो नंबर्स होंगे हमारे, यानी मतलब सबको ये भी पता है, एक और रिजल्ट साथ साथ बात कर रहे हैं, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं हमेशा उनसे एक हम लीनियर ऑपरेटर बना सकते हैं, ये राइट यक्स बिलोंग्स आर्यन मतलब इसके डोमेन से, और ये जो आर्यन है इसका हमारा क्या होगा, दिस इज द को डोमेन, और को डोमेन का ही पार्ट हमारा जो होता है कॉलम का होता है, रेंज का होता है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी वो सब बातों में हम नहीं चल रहे हैं। ई एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नल स्पेस ऑफ एम। अब देखिए क्या कहा है, पूछा है क्या कि नल स्पेस ऑफ एम इज द आइगेन स्पेस ऑफ एम, आइगेन स्पेस ऑफ एम कैसे निकालेंगे, एम माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड, इसको नोट करें आप, आइगेन कभी कभी ये भी आता है, आइगेन स्पेस ऑफ एम करेस्पॉन्डिंग टू आइगेन वैल्यू लैम्डा, ये होता है आइगेन स्पेस का मतलब यही होता है कि
वो मेरा वेक्टर्स लैम्डा एक करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस तब कहा जाएगा जब एम माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो को जो है सेटिस्फाई करेगा, यानी वे वेक्टर्स जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कहे जाएंगे। अब यहाँ देखिए किसके करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर निकालना है, जीरो के करस्पॉन्डिंग। ये मेरा आइगन वेक्टर्स का आइगन स्पेस का मेरा फार्मूला है, मतलब जिससे हमारा आइगन वेक्टर निकलता है। तो चलिए निकालते हैं, तो m माइनस लैम्डा की जगह जीरो, क्योंकि जीरो करस्पॉन्डिंग निकालना है, जीरो इंटू आई एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया m एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। m एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया, यानी लैम्डा इज इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस होगा वो m एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, वो वेक्टर्स होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और मुझे पता है कि वो x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम नल स्पेस ऑफ m भी कहते हैं, ऑलरेडी हमने डिफिनीशंस भी दी हुई है, प्रूफ हो गया ये। नाउ वी हैव प्रूव दैट हियर, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने एक ऐसा मैट्रिक्स बनाया, जनरल मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है, अगर लैम्डा इज इक्वल टू अगर जीरो हो गया तो उसका जो आइगन स्पेस जो बनेगा, यानी जो नंबर्स आ जो आइगन वेक्टर्स आएंगे जो सेटिस्फाई करेंगे एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, और मुझे पता है कि एम एक्स इज इक्वल टू जीरो नल स्पेस ऑफ द एम कहा जाता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन हियर, ये तो 100% प्रूफ हो गया ना, दिस इज द ट्रू हियर। सेकेंड क्या कह रहा है कि लेट एक्स बिलोंग्स कॉलम स्पेस ऑफ एम, मतलब वो जो एक्स है वो यहाँ से है, यहाँ से नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉलम स्पेस ऑफ एम जो होता है ना वो कोडोमेन का एलिमेंट होता है, यहाँ का है, बट दोनों ये तो सेम है, मतलब तो तभी तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी तुम्हारा लीनियर ऑपरेटर होता है, लीनियर ऑपरेटर तब होता है जब दोनों का डायमेंशन एक होता है, अगर ये डायमेंशन डिफरेंट हो गया तो उस लीनियर ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर नहीं कहते, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ये भी ऑलवेज कीप इन माइंड, जब लीनियर ऑपरेटर जुट गया और फाइनाइट डायमेंशंस का है तो पक्का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली उसे करस्पॉन्डिंग एक लीनियर ऑपरेटर होगा, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली एक हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बनेगा, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। चलते हैं ऑप्शन सेकेंड को देखते हैं कि लेट एक्स बिलोंग कॉलम स्पेस ऑफ एम, ठीक है, विथ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ थोड़ा चर्चा कर दें कि एक्स जीरो क्यों नहीं लिखा है, अगर एक्स जीरो लिख देता तो क्या हो जाता है। एक बात बता दें कि कभी भी आइगन वेक्टर जीरो नहीं होता है, कॉलम स्पेस में तो जीरो वेक्टर्स जाएगा ही, अगर जीरो वेक्टर्स नहीं जाएगा तो वो स्पेस की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, वेक्टर स्पेस का फॉर्मेशन ही नहीं बनेगा, क्योंकि कंडीशन से नल वेक्टर होना चाहिए वहाँ, ठीक है, इसीलिए यहाँ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो लिखा है, कहीं जीरो लिख देता तो फिर वो फंसने लगता, तो पेपर वाइज सेट किया जाता है तो सारी बातें दिमाग में रखी जाती हैं ना। यक्स बिलोंग्स कॉलम स्पेस ऑफ एम कह रहे हैं तो यक्स जो है आपका जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो आप आइगन वेक्टर कहेंगे तो आइगन वेक्टर हमेशा नॉन जीरो होता है, राइट। एम जो है वेक्टर है, यक्स वेक्टर है, तो वो आपका जीरो वेक्टर हो सकता है, लेकिन जो आप आइगन वेक्टर कहेंगे तो आइगन वेक्टर हमेशा आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग निकलता है, पहले आप आइगन वैल्यूज निकालेंगे फिर उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे, उसकी एक अपनी थ्योरी है, एक अपना कॉन्सेप्ट है, तो जब आप आइगन वेक्टर लिख देंगे तभी आप एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो लिखें, तब देखिए उसको आगे मजबूर होगा वो आइगन वेक्टर लिखने के लिए, देखिए यहाँ लिखा भी है, तो इसलिए एक्स जीरो लिखा हुआ है, एक्स जीरो नहीं है, मतलब वो आप आइगन वेक्टर की बात कर रहा है, लेकिन अगर एक्स जीरो होता तो फिर ये वर्ड वहाँ हटाना पड़ता, इसको वो नहीं लिखना पड़ता, अगर ये लिखा जाता तो फिर ये गलत भी हो जाता, तो वही कंट्रोवर्सियल बात शुरू हो जाती। लेट एक्स बिलोंग कॉलम स्पेस एम विथ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज एन आइगन वेक्टर ऑफ एम करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज ऑफ एम, आइगन वैल्यू ऑफ वन, अब ये निकालना है हमें कि अब फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन एक जैसा है, पहले ऑप्शंस में हमें लैम्डा इज इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना था, अब यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है, तो थ्योरी तो स्ट्रांग है ना भाई, थ्योरी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, क्वेश्चन पढ़िए और थ्योरी स्ट्रांग करिए, ये हो गया हमारा, तो लैम्डा इज इक्वल टू वन के करिस्पॉन्डिंग निकालना है, तो एम माइनस वन इंटू आई एक्स इज इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एक्स माइनस एक्स जीरो उधर जाएगा, तो एम एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया, राइट। अब हमारा जो लीनियर जो ऑपरेटर है वो ऐसा है दिस, और ये जो एक्स है बिलोंग्स टू आर एन है दिस, और जब एम एक्स के बाद जो रिजल्ट जो बाहर आउटपुट आएगा वो इसमें चला जाएगा, यानी दिस एक्स बिलोंग्स टू आर एन, तो ये जो अभी एक्स आ जा गया कहाँ आ गया, वो आइगन वेक्टर में आ गया ना, कॉलम स्पेस में आ गया, तो फिर ये कॉलम स्पेस में आ गया, पक्का बात हो गई, ये तो एक्स हमारा डोमेन में है इसके यहाँ, अब एम एक्स जो भी कुछ देगा ये मेरा क्या होगा, कॉलम स्पेस में जाएगा,
पक्की बात हो गई। बट ये कॉलम स्पेस आइगन वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आइगन वेक्टर तब होगा जब किसी आइगन वैल्यूज के करिस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर निकालने जाएंगे। तो हमने ये जो रिजल्ट प्राप्त किया है लैम्डा इज इक्वल टू वन के करिस्पॉन्डिंग मिला है, तो पक्का ये क्या है, यक्स इज द आइगन वेक्टर करिस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू वन। और ये अक्ष क्या है, दिस अक्ष बिलोंग्स टू द कॉलम स्पेस ऑफ एम, और ये अक्ष जीरो नहीं है, तो फिर क्या है ये, व्हाट इज दिस। अब तो बात प्रूफ हो गई होगी, डेफिनेटली एक्स बिलोंग्स टू द व्हाट, आइगन वेक्टर, एंड लैम्डा इज इक्वल टू वन के करिस्पॉन्डिंग है मेरा आइगन वेक्टर, यानी एम एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो फिर अगर एक्स जीरो नहीं है, देन एक्स इज एन आइगन वेक्टर ऑफ एम करिस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू वन, डेफिनेटली 100%। नाउ वी हैव प्रूव दिस ईयर विदाउट एनी कन्फ्यूजन, हमने इस चीज़ को प्रूव किया है। और आप भी ऐसे प्रूव करना सीखिए, ऑप्शन देख के इल्यूमिनेट मत करिए, काउंटर एग्जाम्पल लेके मत सॉल्व करिए, बार बार हम कह रहे हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी थ्योरी कमजोर होगी, सब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं होगा आपके पास, ठीक है। नेट निकाल लेना अलग बात है, गेट निकाल लेना अलग बात है, बट अगर आपको सब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं है तो फिर मज़ा नहीं है। तो सब्जेक्ट का कंसेप्ट तभी होगा, ऑप्शन देख को आप उसको प्रूफ करने का प्रयास करिए, और आप जनरल प्रूफ करिए। थर्ड क्या है, अब कह रहा है कि लेट एक्स बिलोंग्स नल स्पेस ऑफ एम, चलिए कोई बात नहीं, देन एक्स इज एन आइगेन वेक्टर, फिर यहाँ आ गया ऑफ एम करिस्पॉन्डिंग टू आइगेन वैल्यू, वहाँ क्या लिखा था हमने, डिलीट कर दिया, लीजिए एक लफड़ा ये भी हो गया। लेट एक्स बिलोंग्स नल स्पेस, एक्स बिलोंग्स नल स्पेस ऑफ एम, देन एक्स इज आइगेन वेक्टर ऑफ एम करिस्पॉन्डिंग टू द आइगेन वैल्यू, अब यहाँ देखिए, चलिए हमने प्रूव किया है, कोई बात नहीं, अगर डिलीट हो गया तो देख लीजिए। अगर कह रहा है कि एक्स अगर आपका नल स्पेस ऑफ एम में बिलोंग करता है, चलिए कोई बात नहीं, अगर एक्स नल स्पेस ऑफ एम में बिलोंग करता है तो फिर ये किसके करिस्पॉन्डिंग हमारी आइगन वैल्यूज आई हुई है, तो डेफिनेटली लैम्डा इज इक्वल टू जीरो के करिस्पॉन्डिंग ही हमारा एम एक्स इज इक्वल टू हमें जीरो मिला है। और एम एक्स इज इक्वल टू जीरो हमें पता है कि ये जो सोलूशन देता है उस सोलूशंस को ही हम क्या कहते हैं, नल स्पेस कहते हैं। और ये जो नल स्पेस मिला है सिर्फ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो के करिस्पॉन्डिंग मिला है, लैम्डा इज इक्वल टू वन के करिस्पॉन्डिंग नहीं मिला है। तो अगर यहाँ लैम्डा वन होगा तो फिर गलत हो जाएगा, और लैम्डा जीरो होगा तो ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, तो लगता है आइगन वैल्यूज वन लिखा होगा। तो अगर आइगन वैल्यूज वन लिखा है तो फिर ये नहीं होगा पक्का, तो फिर बातों हमारी सही नहीं होगी। लास्ट ऑप्शन क्या है, व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन हियर, कि आर एन इज इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ एम प्लस नल स्पेस ऑफ एम। यहाँ बच्चे बड़े कन्फ्यूज हो जाएंगे एक रिजल्ट पे। एक रिजल्ट ये है कि हमारा यहाँ तो यम ही है, यम सच दैट आर एन टू आर एन है, तो इस पर एक रिजल्ट होता है, रैंक नल्टी थ्योरम कहते हैं, रैंक ऑफ यम प्लस नल्टी ऑफ यम इज इक्वल टू, जो डोमेन का डायमेंशन होता है यानी ये होता है, बट इस पर नहीं है ये जो अगर हम इसको तोड़ दें तो रैंक ऑफ यम का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ यम, ओके, इसको क्या कहते हैं, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ एम कहते हैं, इसकी वैल्यू हमारी एन है, दिस इज द एन। अब यहाँ हमसे पूछा है कि कॉलम स्पेस ऑफ एम और नल स्पेस ऑफ एम ये आर एन के इक्वल होगा या नहीं, तो ऐसा हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, आई हैव नॉट ए रिजल्ट। ये तो रिजल्ट है कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ एम, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ एम इनका समझो होगा, इसका जो डायमेंशन है उसके इक्वल होगा। लेकिन कॉलम स्पेस ऑफ एम और नल स्पेस ऑफ एम को मैं सम कर दूं, आर्यन मिल जाएगा क्या, तो चलते हैं देखते हैं, बट ये जनरल रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट तो ये है हमारे इस कंडीशंस में होल्ड करेगा या नहीं। तो जैसे हमने कोई भी मैट्रिक्स ऑलरेडी बहुत पहले ही बना लिया था, ये मैट्रिक्स हमारा बना हुआ है, तो पता है कि जो सिमिलर मैट्रिक्स जो होते हैं वो उनके साथ वही गेम होती है, यानी जो मैट्रिक्स जिसके सिमिलर होगा दोनों का कैरेक्टर एक जैसा होगा। चलिए एक मैट्रिक्स हमारा ये बन गया, हम इससे प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, कोई मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसी फॉर्म का होगा, बहुत होगा तो जनरल हो जाएगा, ये सेटिस्फाई करने वाला काउंटर एग्जांपल नहीं है नो, ये वही वो मैट्रिक्स बनेगा। आप क्या करना, जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे ना, देखिए यहाँ देखिए डी
पी इनवर्स एम पी। अब डी के साथ जो गेम होगी वही साथ एम के साथ होगी, तो हम ऐसे सिमिलर इसके लिख सकते हैं जस्ट लाइक एज दिस। हमने एग्जांपल लिया है वो एन का है, अब इसमें आर होगा तो एन माइनस आर होगा, मतलब लैम्डा की वैल्यूज कौन वन है और कौन वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कॉलम स्पेस ऑफ नल स्पेस ऑफ एम क्या होगा इसका, व्हाट इज द नल स्पेस ऑफ एम, तो ऑर्डिनरी चीज़ है कि एम एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दिया जाए। तो कितने हैं भाई, थ्री है, ये वन है, उसके बाद सारा मेरा जीरो है, ये जीरो है, वन है, उसके बाद सब जीरो है, जीरो जीरो वन है, उसके बाद सारा जीरो, ये तो सब जीरो है ही है, ये भी सब जीरो है। तो यहाँ कितने होंगे, ये हो गया एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, ओके ये जीरो होगा हमारा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो एक्स वन जीरो आ जाएगा, एक्स टू जीरो आ जाएगा, एक्स थ्री जीरो आ जाएगा, राइट। बचेगा क्या हमारे, ये बचेंगे एक्स फोर एंड एक्स फाइव, तो एक्स क्या निकला, अभी देखिए हम इसको जनरल प्रूफ कर दे रहे हैं, धैर्य थोड़ा धारण करिएगा, बस सीरियसली वाच करिए इस चीज़ को। एक दो तीन ए हो गया, उसके बाद हमारा एक्स फोर और एक्स फाइव कोई भी हो सकता है, राइट, बट साथ साथ ही जीरो नहीं हो सकते हैं। अभी हमने कहा कि एक्स जीरो नहीं होता है, जब आइगन वेक्टर लिखते हैं तो जीरो नहीं होना चाहिए। यानी हमारा जो लैम्डा इज इक्वल टू वन है उसके करिस्पॉन्डिंग जो नल स्पेस बना है उसका डायमेंशंस कितना आया है, उसका अगर डायमेंशंस देखते हैं तो दो आया है। यानी जितना हमारी लैम्डा वन है ना उतना वो जीरो हो जाएगा। तो अगर आर है तो कॉलम स्पेस में जो हमारे जो वेक्टर्स जो बनेंगे वो एन माइनस आर बनेंगे, ठीक है, वो इस टाइप के बनेंगे, इज इट ओके। अब कहा है कि हमें कॉलम स्पेस ऑफ एम चाहिए, तो कॉलम स्पेस ऑफ एम कैसे निकालते हैं उस चीज़ को भी थोड़ा मैं यहाँ रिजल्ट लिख लूँ और उसको आप नोट कर लीजिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चंस घुमा फिरा के नेट वाले ना पूछते रहते हैं, उसी क्वेश्चन को कभी ऐसे कभी वैसे अलग अलग नामों से पूछते हैं, मतलब रिजल्ट सबका एक ही होता है। तो उस चीज़ को मैं लिखने जा रहा हूँ, जब मैं फर्दर अपनी सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा तो इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा। देखिए कितनी बार ये पूछा है, अब बच्चे बार बार पढ़ने के बाद भी वहाँ गलती करते हैं, राइट, बट वो थ्योरी अगर आपको क्लियर है, रिजल्ट क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है आप गलती नहीं करेंगे। तो इसको नोट कर लें, एक कॉलम स्पेस ऑफ एम का मतलब क्या है, यहाँ पक्का ये क्लियर है, मैं जो बात करने जा रहा हूँ इसकी बात करने जा रहा हूँ। ये कॉलम स्पेस ऑफ एम का मतलब क्या होता है कि बेसिस, लिखिए इस चीज़ को, बेसिस ऑफ किसका बेसिस, नहीं सॉरी, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ रो इकेलॉन फॉर्म ऑफ एम डैश, एम डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ एम। तो जब भी कॉलम ऑफ मैट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं तो हमेशा उस मैट्रिक्स को पहले आप ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज करने के बाद जो उसको रो इकेलॉन फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए, तो उसमें जो नॉन जीरो रोज होंगे वो उसके बेसिक होंगे। तो अब यहाँ लिखा जाए, अगर मैं ये लिख दूँ बेसिस ऑफ, ये भी नोट करिए, कॉलम स्पेस ऑफ एम क्या होगा कि नंबर ऑफ, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, इसके नोट करिए, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स इन रो इकेलॉन फॉर्म ऑफ एम डैश, मैट्रिक्स एम गिवेन है, राइट, या बन जाएगा कि मैट्रिक्स का रूप कैसा होगा, कैरेक्टर कैसा होगा, उसका हम आप दर्शन कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करिए, मतलब उसका ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज करने के बाद उसको रो इकेलॉन फॉर्म में लिखिए, तो जो नॉन जीरो रोज आएंगे एम डैश के वो हमारे कॉलम स्पेस के बेसिक होते हैं। अगर बेसिक आपको मिल गया तो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है, फिर तो आपके लिए वो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएगा, कुछ उसमें रहेगा ही नहीं, पूरी कायनात ही आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। तो चलिए जरा इसको कन्वर्ट कर दें तो क्या आएगा, जरा देखिए एक चीज़ यहाँ, ये ऐसे हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच, अब यहाँ हो जाएगा जीरो वन, ये लिख दे रहे हैं कायदे से, ये यहाँ वन होगा ये, और ये हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए अब यहाँ, ये तो ऑलरेडी हमारा ही है रो इकेलॉन फॉर्म में, ये है दिस दिस एंड दिस, ये इसका बेसिक हो जाएगा। अगर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालूं तो कैसे निकालेंगे, एक्स वन ये हो गया एक दो तीन चार पाँच, ये हो गया एक्स टू जीरो वन, ये सब जीरो, ये एक्स थ्री, अब तो पता है कैसे लिखेंगे, ये हो गया लास्ट में हमारा नहीं थर्ड में हमारा वन होगा, बाकी ज़ीरो हो जाएगा।
तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कैसे आएगा, ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आएगा, बाकी जो दो प्लेस होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे। ओके क्लियर। अब यहाँ देखिए कह रहे हैं क्या इनका और इनका सम आर्यन होगा, एस होगा, ये ज़ीरो 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 एक्स एक्स फोर एक्स फाइव ए है प्लस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, यानी इसका मतलब क्या है, जितने मेरे वन जो आइगन वेक्टर जितने नंबर्स में बनेंगे ना उतना डायमेंशंस कॉलम स्पेस का हो जाएगा, यानी उतनी जगह जो मेरा नॉन जीरो आएंगे नंबर्स, देख लीजिए यहाँ थ्री है तो थ्री आएंगे और जितना खाली स्थान बचेगा और नल स्पेस में चला जाएगा। ये देखिए अब जनरल अगर इसी को मैं बात करता तो क्या करता, अगर आर ले लेता तो क्या होता, तो नल स्पेस अगर आर के जगह अगर वन वन होता तो क्या होता, ये जीरो 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 एंड आर्ट्स वन, उसके बाद एन माइनस आर प्लेस पे हमारा वो भरा होता और वन के करिस्पॉन्डिंग कितना होता, ये ऊपर आता मेरा ए एक्स वन एक्स टू एंड आर्ट्स वन एक्स आर, ये मेरे होते, उसके बाद ये नॉन जीरो इधर होता, इनको जब मैं ऐड करूँगा तो ये आर एन हो जाएगा। तो पक्की बात है, हमने प्रूव भी किया, नाउ वी हैव प्रूव दैट ईयर। तो ये तो नल स्पेस में जाएगा और ये कॉलम स्पेस आफियम गया, और कॉलम स्पेस आफियम आर फाइव नहीं है, आर फाइव का जो होगा ना वो सब स्पेस होता है, ये बात ऑलवेज कीप इन माइंड। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन जो है नेट वाले बनाए हुए हैं, गेट वाले भी बनाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन ये सब बनता है इस पर। तो ना वी हैव प्रूव दैट हियर व्हाट इज राइट हियर, तो इस केस में संभव है, होगा पक्का, संभव नहीं सारी पक्का होगा, लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा नहीं है, जनरल की बात हम कर रहे हैं, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट इस केस में ऑलवेज सेटिस्फाइड है। तो इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, हम स्वागत करते हैं, उसका जवाब देंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद।